हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती सेठिया। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेंड्स करेले के अचार की रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इस करेले के अचार को फ्रेंड्स आप फ्रीज या बिना फ्रीज के भी रख सकते हैं और ये 12 महीने तक अचार ख़राब नहीं होता है और ये खाने में केरी के जैसा ही टेस्ट आता है। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको आम के अचार की रेसिपी बताई थी और उसमें मैंने कहा भी था कि इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको करेले के अचार की रेसिपी बताऊंगी। तो आज उसी करेले के अचार की रेसिपी दोस्तों मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे केरी का अचार हम बनाते हैं, वैसे ही इसको भी बनाना है। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिले और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम करेले के अचार की रेसिपी। इसके पहले वाली रेसिपी जो हमने आम का अचार बनाया था और उस आम यानी कैरी के अंदर जो हमने हल्दी और नमक डाल के रखा था और उसका जो पानी बचा था, आज उसी पानी के अंदर हम करेले के अचार को बनाएंगे। तो ये जो कैरी है, इसका तो मैंने इसकी पहली वाली रेसिपी में अचार डालना सिखाया आपको, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये जो पानी है हल्दी और नमक वाला और कैरी का, इसमें हम आज करेले के अचार की रेसिपी बनाना सीखेंगे। तो ये हल्दी वाला, यहाँ पे दोस्तों मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं। अगर आप 1 किलो का केरी आम का अचार डाल रहे हैं तो उसमें जो पानी निकलता है उसमें सिर्फ 250 ग्राम करेले का अचार ही आप डाल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 1 किलो केरी के पानी के अंदर 250 ग्राम करेले का अचार आप डाल सकते हैं। ये सारे करेले को मैंने धोकर अच्छे से सिर्फ किसी साफ कपड़े से पोंछ लिया था और इसके दोनों ऊपर नीचे के हिस्से कट करके इसे हम अच्छे से छील लेंगे। इसी तरह हम चारों करेले को भी ऊपर नीचे के हिस्से काटकर इन्हें छील लेंगे। इनके छिलके निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, तो इन्हें छीलना ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी चाकू की मदद से इसे छील सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों करेले को छील लिया है। अब चाकू की मदद से हम इसमें बीचों बीच में एक चीरा लगाएंगे, जिस तरह हम करेले की बर्मा करेले की सब्जी बनाते हैं और बीच में से चीरा लगाते हैं ना इसमें मसाला भरने के लिए, उसी तरह आप इसमें एक बीच में से चीरा लगाइए। हर करेले के अंदर हम इस तरह से चीरा लगा लेंगे। उसके बाद इन्हें हम आधा आधा या 1-1 इंच के टुकड़ों में आप काट सकते हैं। आप चाहे तो छोटे बड़े थोड़े भी कर सकते हैं साइज़ में। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच के टुकड़ों के बराबर इन्हें काटा है। और ये जो कटे हुए करेले हैं इन्हें हम इस पानी के अंदर डाल देंगे, जो हल्दी नमक वाला और कैरी का पानी है। इसी तरह सारे करेले को हम काट कर इस पानी के अंदर डाल लेंगे और इसे अच्छे से एक बार मिला कर इसे हम किसी पतले से कपड़े से, जिस तरह हमने कैरी को ढक के रखा था उसी तरह हम इसको भी ढककर 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे तक इसे हम इस तरह से ढककर रखेंगे, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए और एक खट्टापन इस करेले के अंदर आ जाए। 24 घंटे यानी 1 दिन हो चुका है दोस्तों। अब हम कपड़ा हटाकर देखेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं करेले का कलर पूरा ही चेंज हो गया है और ये अभी एकदम अच्छे से गल भी चुके हैं। तो इसे हम एकदम अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में हम खाली कर लेंगे। इस तरह से हम इसे एकदम अच्छे से टाइट निचोड़ कर इस दूसरे बाउल के अंदर ले लेंगे और इसके बाद हम इसे बिना पानी के कुकर के अंदर 1 सीटी ले लेंगे हम लोग, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। तो इसे हमें बिना पानी के ही इसे ढक्कन लगा लेंगे हम और इसे कुकर में 1 सीटी दिला देंगे। यहाँ पे कुकर के अंदर दोस्तों मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। अब इसके अंदर जो हमने करेले का बर्तन रखा है उसके ऊपर मैं एक ढक्कन ढककर इसका ढक्कन लगा लूँगी कुकर का और 1 सीटी ले लूँगी फास्ट गैस पर। 1 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि करेले भी थोड़े से गल चुके हैं। अब इन्हें हम कुकर से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला था और इसके अंदर हमने ढक्कन ढककर रखा था, तो इसमें 1 बूंद पानी भी नहीं जाता है अंदर। तो इस तरह से अब हमने करेले को कुकर से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम एक कपड़े के ऊपर हम इस तरह से डालकर इसे कम से कम हमें 7 से 8 घंटे तक, या जब तक ये थोड़े सूख जाए तब तक इन्हें हम पंखे के नीचे इस तरह से कपड़े के ऊपर रखकर सुखा लेंगे, ताकि अगर गिल्ले रह गए तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसे पूरी तरह से हम सूखने देंगे एकदम।
सुखाने के पहले दोस्तों इसमें से जो ये बीज है उन्हें भी हम निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से सूख भी जाए। और ये बीज यानी जो अगर अच्छा रह गए इसमें तो अचार में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मुंह में खाली बीजे भी जाएंगे। तो ये बीज को आप निकाल ले, उसके बाद इन्हें पंखे के नीचे 7 से 8 घंटे सुखाए आप। तो ये सारे बीज मैंने इस तरह से इसमें से निकाल लिए है, अब इन्हें मैं 7 से 8 घंटे तक सूखने दूंगी। 7 से 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये करेले बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम एक थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप चाहे तो अचार भरकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काट कर बना रही हूँ। ये जो काट कर बनाने में अचार का यानी खाने में बहुत ही इजी होता है, इसलिए मैं इसे काट कर बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे भर कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को काट लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अचार के मसाले का प्रीमिक्स बताया था, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये अचार के मसाले का प्रीमिक्स था जो मैंने आपको इसके पहले वाले में वीडियो में बताया था। और इस मसाले को मैंने आपको बताया भी था कि इसको आलू अचारी आलू की सब्जी में, अचारी पराठा या अचारी पनीर टिक्का या कुछ भी अचारी चीज़ हम इससे बना सकते हैं इस मसाले से। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 6 महीने तक के लिए, आप इसे ज़रूर बना कर रखिए। तो इसको भी हम अचार बनाने के लिए एक मैंने सूखा बाउल ले लिया है और इसमें मैं जो हमारा प्रीमिक्स मसाला अचार का मैंने बनाकर तैयार रखा है उसे मैं लूँगी 2 चम्मच जितना। और यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, सरसों का तेल मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसे आप चाहे तो गर्म करके भी डाल सकते हैं या ठंडा भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पे मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर डालने से अचार ख़राब नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी कम तेल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप विनेगर ज़रूर ऐड करें और इसे एक बार टेस्ट कर ले। अगर इसमें नमक कम है तो आप इसमें अभी थोड़ा सा लीजिए। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने इसमें मिला लिया है। और ये जो हमारे करेले हमने काट कर तैयार करके रखे हैं उसे हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो बस और दोस्तों अब ये हमारे अचार बनकर तैयार है। अब इसको हम 4-5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। इसको धूप में रखने से ही अचार पूरा तरह से गलेगा। अब इस तैयार अचार को हम किसी डिब्बे में निकाल लेंगे। आप प्लास्टिक या कांच किसी भी डिब्बे में इसे निकाल लीजिए और इस तरह से इसे पूरा अच्छे से फैला दीजिए। और इसमें हम ऊपर से 1 टेबलस्पून जितना और ऑयल डालेंगे ताकि अचार अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल इसमें और डाल लिया है। अब देख सकते हैं इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं है, एकदम कम ही तेल है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 दिन के लिए इसे धूप में रखेंगे ताकि अचार अच्छे से गल जाए। आप चाहे तो डिब्बे के अंदर इस तरह से इसे कपड़ा बांधकर भी इसे धूप में रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट ऊपर से भी धूप जाती है। तो इस तरह से इसे कपड़ा बांधकर 4 दिन धूप में रखिए। 4 से 5 दिन दोस्तों ये धूप में एकदम अच्छे से हो गया है अचार। आप देख सकते हैं ये अचार काफ़ी चेंज भी हो गया कलर दिखने में और ये करेले लगभग गल भी चुके हैं। ये एकदम पूरी तरह से कैरी की तरह तो नहीं गलते हैं पर ये काफ़ी हद तक गल जाते हैं और इनके अंदर टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, खट्टापन और अचार ही एकदम अच्छा सा अचार का टेस्ट भी आने लग जाता है। तो अब इसे हम सर्व कर, इससे आप रोटी चावल खाकरा किसी के भी साथ में सर्व करिए दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी अचार लगता है, बहुत ही अच्छा और नया यूनिक अचार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।